हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पे घर से जा रही हूँ जेपी, जो कि नोएडा में है, हरौला मार्केट में। वहाँ पे मुझे ख़रीदना है कम्बल, क्योंकि अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो मुझे अब एक्स्ट्रा कम्बल लेनी पड़ेगी। क्योंकि पहले जब छोटे छोटे थे तो एक ही कम्बल में सब सो जाते थे, और हैवी कम्बल मेरे पास एक ही है, जो कि ये बच्चे मेरे छोटे थे तभी मैंने ख़रीदा था। बाकी हल्के हल्के हैं तो, लेकिन फिर भी बहुत ठंड पड़ती है। अभी तो ठंड नहीं है, लेकिन ठंड अभी मुझे पहले ही लाना होगा, ताकि मुझे एक तो ठंड में घर से बाहर निकलना नहीं होता, क्योंकि काम भी बहुत हो जाता है ठंड में, और टाइम भी नहीं रहता है, मतलब दिन बहुत छोटा होता है, तो घर के काम ही ख़त्म हो जाए यही बहुत है। तो अभी मैं पहले ही लाने जरूर लेके आ जाऊंगी, तो ऐसे जैसे ठंड पड़ेगी तो सही रहेगा कम्बल, क्योंकि उस टाइम पे फिर ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उस टाइम पे कॉस्टली भी बहुत हो जाती है। तो अभी मुझे थोड़ा डिस्काउंट वगैरह में भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना ठंड, तो अभी और जब भी लाना ही है पूरा ठंड, और अभी लाना ही है, तो अभी उतना ठंड पड़ा नहीं है, तो अभी ही लेके आऊँगी, सही रहेगा। तो चलिए फिर मेरे साथ जेपी कंपनी, मैं वहाँ से कम्बल लूँगी और आपको भी विजिट कराऊँगी। तो चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। वैसे तो मेरे हस्बैंड 5 बजे ही आ गए थे, लेकिन थोड़ा तैयार होने में टाइम है, क्योंकि जेपी कंपनी है ना 8 बजे बंद हो जाती है, तो मुझे घर से जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। और रास्ते में मुझे सीएनजी भी गाड़ी का ख़त्म हो गया था, और पेट्रोल भी, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा दोनों में भरवाने में। आजा, आइसक्रीम वाला भी है, आ जाओ आगे आ जाओ। ठंडे 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 दही भल्ले चला गया क्या? देखो नहीं नहीं आ रहा। हाँ, क्या आइसक्रीम खा ले? क्या खा ले? ये लो। तीखा ही रखना, तीखा ले लो, दे दो पैसे, दे दो। कैसे हैं दिखाना? एक और चम्मच दे देना। चलो खाओ, खा के दिखाओ। अच्छी, चलो खाते हैं यहीं पे खाते, क्योंकि उधर तो खाओ खाओ। टेस्टी है, खाओ।
अच्छी लग रही है। उन्होंने भी आते तो खा लेता। पापा भी यहीं पे लगे हैं हमारी सीएनजी के लिए। दिखाओ मोनू को भी पसंद है ना। आगे होंगे लो इस बार आप खुद करो आगे। आई रहे हैं बैग को अच्छा इधर में आ गए। पेटीएम से दे रहे हो? ये कितने का भरा है? बैठ जा तो यहाँ पे मैं सीएनजी और पेट्रोल भरा के मैं वहाँ से पेट्रोल पंप से निकल गए हैं मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे। और जो रास्ते में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो वो उसके बाद फिर हम जेपी पहुँच जाएंगे। और फिर जो वहाँ पे अगर वहाँ पे सब कुछ मिलता है लेकिन अच्छी चीज़ें मिलती है बच्चों के लिए टिफ़न वगैरह या डब्बा या गिफ्ट के आइटम या जैकेट या स्वेटर मतलब ओरिजिनल मिलती है। और प्राइस भी उतना नहीं होता है, अगर प्राइस होता भी है तो उसके हिसाब से चीज़ें भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं हमेशा ट्रस्ट करती हूँ जेपी और अच्छी होती है। मतलब अगर पुरानी भी हो जाती है ना तो उसकी जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल अच्छी होती है, मतलब ओरिजिनल और हैवी का हैवी ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से लेके आते हैं और हैवी ले आते हैं बाद में वो उतना अच्छा निकलता नहीं है या गर्म कम्बल हो नहीं। लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं एक कम्बल मैंने लेके आई थी 2200 की लेके आई थी, लेकिन अभी भी अगर वो गंदा हो जाता है अगर उसको क्लीन करा देते हैं तो बिल्कुल न्यू जैसे मैं लाई थी ना ख़रीद के जेपी से बिल्कुल सेम हो जाता है। मतलब क्वालिटी में फॉल्ट बिल्कुल भी चीज़ें नहीं, मतलब कुछ मुड़ता नहीं है, कुछ एकदम न्यू की तरह लगती है। तो मैं जेपी से ही
ट्रस्ट करती हूँ कि मैं वहीं से कम्बल लाऊँ। अब मुझे एक दो मतलब एक कम्बल नहीं लाना है, दो तीन कम्बल लाना है, क्योंकि सभी बच्चों के लिए मुझे अब बड़े बच्चे हो गए हैं तो अलग अलग चाहिए ही। अगर कोई इस बीच में कोई गेस्ट भी आ जाए तो सिंगल नहीं अच्छा होता है, लूँगी तो मैं डबल ही लूँगी, क्योंकि सिंगल में होता है कि एक ही जने ओढ़ सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा भी गेस्ट आ जाए तो एक दो जने ओढ़ के सो सकते हैं, मतलब एक ही कम्बल डबल कम्बल ही सही रहता है, तो मैं डबल ही लेने जा रही हूँ। तो प्राइस में तो कम और वो प्राइस भी वही प्राइस जब हमें देना ही है तो थोड़ी अच्छी चीज़ें ही लेंगे। और अभी तो एक साल का ही तो ठंड नहीं है ना, जब तक अभी तो ठंड रहेगा ही, और ये तो यूज़ की चीज़ें हैं ना, क्योंकि इतनी ठंड पड़ती है फिर समझ में आता है कि हैवी कम्बल कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए फिर मेरे साथ जेपी, और एक्स्ट्रा जो पसंद आएगा वो भी लूँगी, मैं ले लूँगी। और यहाँ पे रास्ते में भी इतना इंजॉय करते हुए जा रही थी मैं, तो मैं इधर से भी शूट करती जा रही थी कि मैं ब्लॉग में डालूँगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो ब्लॉग में भी अच्छा लगेगा, तो सब कुछ मैं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि दिवाली के टाइम पे इतने सजे धजे होते हैं ना दुल्हन के तरह, तो इतना अच्छा लगता है सब पूरा सजा धजा देख के। तो मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया है, पूरे रास्ते का तो नहीं कर पाई हूँ, जहाँ जहाँ अच्छा लगा वहाँ वहाँ का कर लिया है मैंने, तो अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले, आप प्रेस बेल बटन को प्रेस करना ना भूले। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric. Trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे जेपी पहुँच गई हूँ, आप देख सकते हैं, और मेरे हस्बैंड अब मैं अब नीचे उतर जाऊँगी, मेरे हस्बैंड इधर साइड में गाड़ी लगा के आ जाएंगे। ठीक है, आप गाड़ी लगा के आओ। एक ले लेना, ये पकड़ना, थैंक यू। अच्छा, कितनी अच्छी लग रही है, ग्रीन ग्रीन गिफ्ट आइटम देखो, कितना सुंदर लग रहा है, गिफ्ट आइटम है, गिफ्ट देते ना, काजू वाजू रखते ना, देखो ना, खोलो ना, ये है इधर से, प्लास्टिक के हैं शायद, कांच है, हाँ वही है, काजू वाजू रखने का ही है ना, तो सुंदर है, गिर जाएगा मुझसे तो छूती ने, डस्टबिन कम्बल के लिए जाना था ना, हाँ नहीं नहीं टिपर नहीं, कितनी की है प्राइस देखो ना, ये वाली देखो, ब्लू वाली, ये अच्छी, हाँ हाँ ये ब्लू वाली देखो, ये बहुत अच्छी लग रही है, खोल, अच्छी लग रही है, ले लेंगे, वाह कितनी का है प्राइस तो देखो, प्राइस का
ठीक है। इसकी प्राइस क्या है? देखो, और ये वाली की, ये वाली ब्लू बच्चों का नहीं है, बड़े भी ले सकते हैं। ये 1936 का है, 936 सॉरी। और ये देखो डिस्काउंट करके 702। ये और ये, ये वाला खोलो इसको, 567 का। और ये सिंपल है, लेकिन खोलो ना इसको देखना है। ये वाला बच्चों का 850 रुपये का। ये वाला हाँ जी, ये पड़ेगा आपको 638। ये वाला हाँ, ये बच्चों वाला है ना, ये बच्चों। ये देखना, ये खोल, ये वाला देखो ना, जुड़ा इसमें हाँ। वो नहीं है चम्मच, नहीं ये नहीं है, लेकिन है तो स्टील की है ना, ये अच्छी है। ये प्लास्टिक इसमें खराब, प्लास्टिक अच्छी है ना, टूट जाएगी अंदर स्टील, अंदर स्टील ये टूटेगी भी, ये वाला हाँ नहीं लगने वाला है ना, ये तो ये भी अच्छा, ये भी कुछ पड़ जाएगा, ये मजबूत लगता है ना, ये मस्त है, कितना मस्त लग रहा है। ये ऐसी टाइप में है जो आप कह रही है, ब्लू कलर वाला, पिंक ब्लू अच्छा लग रहा है। कितना मोनू को पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं, मेरे लिए है ये, इतनी महंगी है वो, और कितनी का था? 500 की, कितने की कहा? 700 कुछ, नहीं 500 का कहा था ना, इसका थोड़ी यहाँ कुछ दिख रही है तेरे को, कुछ अजीब सी फील, कोई ये वाली देख, जल्दी कंबल देखना, पापा कहाँ चले गए? नहीं यहाँ तो गए थे उनके गाड़ी लगा के, इसकी प्राइस पूछो। ये तो एक ही जैसा है ये वाला, और देखो ना उधर चल के देखते हैं, पानी का बोतल भी है। आ गए कंबल उधर है, अब देखो कंबल, ये भी देखो जुराब है सेक्शन, ये देखो राधिका, ये देखो, ये देखो, ये देखो कितनी की प्राइस भी होगी इस पर, वो लग रहा है 290। ये वाली अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर मुझे तो ये अच्छी लग रही है, ये आप पहनो, मुझे पसंद नहीं आती, येलो चाय, ये राधिका के बच्चों का। ये हाँ हाँ, इसमें ये भी लगे हुए हैं, राधिका ये पहन के देखना, ये वाला, ये लग के बहुत ज़्यादा अच्छा है, देखो ना ये तो क्या हो गया, देखो ना तुम तो ऐसी लग रही है जैसे कि, दूर रहो ना, कितना का है प्राइस देखो, स्कार्फ है राधिका, ओ राधिका भाग जाती है, इधर तो आ, कहाँ गई, जैकेट है ये, सुंदर है, क्या है ये देखो,
जैकेट। ये बच्चों क्या बच्चों ये क्या है देखा खोल आ जाएगा प्राइस देखो इसके 1460। लेकिन है भी तो कहीं आने जाने के लिए तो क्यूट सा लग रहा है। अच्छी लग रही है। चलो पहले कम्बल देखते हैं फिर इधर आ जाएंगे टाइम मिलेगा तो। ये देखो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे राधिका, पता नहीं आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। देखा देखा कितना का है प्राइस दी 1699। कितना अच्छा है यार शॉर्ट फ्रॉक जैसा है। ब्लू में भी कितना प्यारे लग रहे हैं। ब्लू वाली भी अच्छी लग देखो ब्लू वाली ज़्यादा मस्त लग रही है देखो। सॉफ्ट भी है अभी लग जाएगी सही में। ये भी ले लेते टिफिन तो ले ही लेना चल इसे मोड़ के या फिर ऐसे ना बने हुए से ना जो दे रहा वो काली बन गई है देखो अगर वो सुंदर लग रहा है। एक्स्ट्रा साइज सॉफ्ट है बहुत। प्राइस क्या है इसकी किससे स्टार्ट होगा? तौली है ना, तौलिया घर के लिए चाहिए। देख लीजिए तौलिया वजन के हिसाब से क्या है। ये तौलिया कितने की है देखो ना, ये हल्को हल्को से तौलिया देखो ये कितने की है। ये तौलिया ये सही मुँह पोछने के लिए देखिए ना है कितने का प्राइस। कितने का और ये वाला 100 रुपये की है। 100 रुपये की आती है 250 रुपये की है। जेपी है ना आज स्टॉल है देखो तभी तो आई हूँ जीपी। राधिका इसको स्टॉप कैसे करते हैं जो हमने उधर बनाई ना, मुझे लग रहा है इस पर डिस्काउंट नहीं है कुछ भी। नहीं कुछ भी नहीं। ये देखो और दिखाओ
यही वाला है क्या अपना? अपना सिंगल वाला, ये डबल लेयर, डबल सिंगल लेयर नहीं है, सिंगल लेयर मिल जाएंगे आपको, सिंगल में दिख। पापा यही वाला ना हमारे पास ही। अरे तो ये तो हैवी में चाहिए ना, ये यही वाला है, उसे हैवी वाला ये तो हल्के में है, अभी नहीं मिल सकता। स्टार वाला निकालना भैया, ये सिंगल में डबल में, वो पिंक में दिखा, वो पिंक में जो है डबल ही है, ये भी डबल ही है, पिंक 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 वो रहा पिंक। पिंक हाँ, कितने का है ये?